हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। लॉकडाउन के दौरान बेसहारा पशुओं की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। लोग तो घरों में रहकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन ये बेजुबान किससे अपने लिए चारा और पानी मांगे। ऐसे में माजरा पंचायत में इन बेसहारा पशुओं के लिए अनूप अग्रवाल मसीहा बनकर आए हैं। जगह जगह भटक रहे इन बेसहारा पशुओं को अनूप ने अपनी ही जमीन पर इकट्ठा कर इनके चारे की व्यवस्था कर डाली। गौरतलब है कि समाजसेवी अनूप अग्रवाल काफ़ी दिनों से इन बेसहारा पशुओं के लिए गौशाला बनाने की तैयारी में जुटे हुए थे। इसके चलते माजरा पंचायत की शामला जमीन का भी चयन कर लिया गया था, परंतु कुछ विवाद के चलते इस जमीन पर अभी गौशाला का निर्माण कार्य नहीं हो सका। अनूप अग्रवाल का सहयोग करने के लिए श्री शिव सेवा कांवड़ युवा मंडल व ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि भी आगे आ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कुछ समय से, जैसे कि अभी लॉकडाउन के बाद जो कर्फ्यू लगा है, उसके बाद इंसान को तो खाने की दिक्कत हो ही गई है, लेकिन पशुओं को उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो चुकी थी कि डेली गोश जितना भी बढ़ ही रहा था और उनका खाने पीने के लिए उनको बड़ा दर इधर उधर जाना पड़ रहा था और दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी। इससे लोग भी परेशान थे, तो इसी कारण हमने एक पहले शामला भूमि का चयन भी किया था, जो कि किस विवादों के कारण उसका काम रुक गया था, जिसमें कि अभी उसका कार्य चला हुआ है। और इसको देखते हुए फिर मैं कुछ अपनी ज़मीन यहाँ पर पड़ी थी, जिसमें कि हमने भी यहाँ गौशाला के लिए पहले भी किया था काम, और समय को देखते हुए फिलहाल इसी यहाँ पर हमने कुछ पशुओं को जितने कि बाजार के बेसहारा पशु जितने थे उनको यहाँ पर एकत्रित करके इनको शुरू किया है रखना। अब जितना डेली हमारे से जितने एकत्रित पशु हो जाते हैं हम उनको यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं, चारा भी पानी सारा कुछ यहाँ पर प्रावधान हो रहा है। और मेरे साथ इसमें यहाँ पर शिव सेवा कावड़ मंडल, ग्राम पंचायत प्रधान माजरा और ग्रामवासी सब समस्त ग्रामवासियों का भी सहयोग मिल रहा है। और मैं औरों से भी एक गुजारिश करूँगा। इसी हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धौलाकुआं से अनुराग गुप्ता।